के इस थाने में मुर्गे की चलती है तानाशाही। इसके सामने सब चाय कम पानी। पुलिस दरोगा कप्तान हर कोई इस मुर्गे के सामने झुकाता है अपना सर। न सिपाही न चौकीदार, खुद मुर्गे देते हैं रात दिन पहरा। मजाल को आंख दिखा जाए। यूपी के इस थाने को गौर से देख लो, अपनी आंखों में उतार लो ये तस्वीर, क्योंकि ऐसा थाना ना अब तक आपने कहीं देखा होगा, ना कहीं शायद आपको देखने को मिलेगा। सिपाही हो या दरोगा या खुद कप्तान, यूपी के इस थाने में किसी की नहीं चलती, क्योंकि यहाँ का राजा कोई और नहीं बल्कि खुद एक मुर्गा है। मजाल किसी की कोई इस मुर्गे को हाथ लगा जाए, हर कोई इस मुर्गे के सामने नतमस्तक हो जाता है। क्या है इस थाने से जुड़े मुर्गे की कहानी का राज, हर किस्सा आपको बताएंगे। ज्यादा नहीं, बस 3 मिनट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। दरअसल ये कहानी है यूपी के बलिया की, जहाँ एक ऐसा थाना है जहाँ स्वतंत्र रूप से बाहर भीतर हर जगह मुर्गे ही मुर्गे नजर आते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इस थाने में पुलिस की जगह देसी मुर्गे पहरा देते हैं। मजाल है कि कोई इन देसी मुर्गों को हाथ लगा जाए। थाने के अंदर स्थित मजार पर हर कोई इन देसी मुर्गों को चढ़ाकर छोड़ देता है, लेकिन आज तक किसी ने मुर्गों को मारा नहीं। यही नहीं, थानेदार कोई भी हो, लेकिन चलती यहाँ बाबा की है। बता दें कि बलिया जनपद के सिकंदरपुर थाने में ये मुर्गे कोई आम मुर्गे नहीं हैं, बाबा के मजार पर चढ़ाकर छोड़े गए देसी मुर्गे हैं। काफी दिनों से थाने पर कार्यरत होमगार्ड अजय कुमार चौधरी बताते हैं कि ये देसी मुर्गे शहीद बाबा के नाम पर छोड़े जाते हैं, जिनको कोई मारने की हिम्मत नहीं करता। जब भी कोई नए थाना अध्यक्ष आते हैं तो शहीद बाबा के नाम पर एक देसी मुर्गा जरूर छोड़ते हैं। बता दें कि बलिया जनपद के सिकंदरपुर थाने का निर्माण हो रहा था, तो बार बार एक तरफ से तैयार थाना दूसरी तरफ से गिरता जा रहा था। अंत में मुस्लिम समुदाय के एक जानकार व्यक्ति ने इस मजार के संबंध में जानकारी दी। तब जाकर पहले इस मजार को बनाया गया कि चादर चढ़ाई गई, मुर्गे छोड़े गए, इसके बाद थाने का निर्माण हुआ। तभी से यहाँ देसी मुर्गे चढ़ाने की परंपरा हो गई है। जानकारी के मुताबिक बहुत साल पहले एक एसआई ने यहाँ के मुर्गे को मार कर खा लिया था, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, अंततः उनको एक मुर्गे के बजाय 2 मुर्गे मजार पर चढ़ाने पड़े, तब जाकर उनकी जान बची। तब से आज तक किसी ने इन देसी मुर्गों को मारने की हिम्मत नहीं की है। प्रतिदिन थाना अध्यक्ष बाबा के मजार पर माथा टेकते हैं। थाने पर औचक निरीक्षण में किसी बड़े अधिकारी के आने से पहले मुर्गे संकेत दे देते हैं। पहरेदार कोई भी हो, उसको अनुभव हो जाता है कि कोई न कोई बड़ा अधिकारी निरीक्षण के लिए आ रहा है। खैर, अब ये कहानी चर्चाओं में है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एएसके न्यूज़।